हेलो फ्रेंड, मैं हूं मंदर इब्राहिम और आप देख रहे हैं VIP नजरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, न्यू यूट्यूबर जब भी किसी का चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल होता है तो उसके एडसेंस अकाउंट पर जो CTR हाई क्यों रहता है। फ्रेंड, ये मेरे साथ भी हुआ, जब मेरे चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हुआ तो हमारे चैनल का जो CTR है जो हाई हो गया और मैं परेशान हो गया कि कहीं यार हमारे चैनल का मोनिटाइजेशन तो इनेबल हो गया कि हमारे चैनल का जो गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाए। तो क्यों ऐसा होता है, जब किसी के चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है तो उसके गूगल एडसेंस अकाउंट में जो CTR हाई क्यों हो जाता है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। आज इस वीडियो में आप सभी को CTR के बारे में बताएंगे कि क्यों आप सभी का जो CTR हाई हो जाता है आपके अकाउंट का, और ये है जो अगर आपका CTR हाई जो होता है तो वो कितने तक जाएगा तो वो है जो डिसेबल होने का चांस रहेगा, और कितना रहेगा तो वो है जो डिसेबल नहीं होगा आपका एडसेंस अकाउंट। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आज इस वीडियो में बताने वाले। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको ये फायदा रहेगा जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इसे खत्म करने के लिए। तो फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं कि CTR है जो हाई क्यों हो जाता है न्यू यूट्यूबर का। फ्रेंड, जहाँ तक कि मेरा भी ये है जो CTR हाई हो गया था जब मेरे चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हुआ था। तो देखिए, हाई क्यों होता है CTR न्यू यूट्यूबर का, देखिए अगर किसी भी चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है ना तो आज इनेबल हुआ ना तो आपके एडसेंस अकाउंट में है जो एडसेंस अकाउंट में सॉरी YT स्टूडियो में है जो अर्निंग है जो आज शो नहीं होगा कल होगा शो, और आपके एडसेंस अकाउंट में है जो कुछ टाइम लगेगा उसके बाद ही शो होगा। आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं न्यू यूट्यूबर के चैनल पे ज़्यादा CTR हाई क्यों रहता है उसके चैनल एडसेंस अकाउंट पे। यहां तक कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हुआ था। फ्रेंड, देखिए जब भी किसी भी चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है ना, जब जो न्यू यूट्यूबर है उसके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है तो क्या होता है ना, उसके वीडियो पे ना जैसे बहुत कंफ्यूज आता है उसके वीडियो पे और उसके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हो गया। मान लो कि उसके चैनल पे उसके वीडियो पे एक वीडियो पे 100 व्यूज़ आया और उसका चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हो गया, तो क्या होगा अगर आपके चैनल पे जो जिस दिन जैसे कि आज आपके चैनल पे मोनिटाइजेशन इनेबल हुआ तो आपके चैनल पे जो भी बंदा आकर आपका वीडियो देखेगा ना तो उसको 100% चांस रहेगा कि आपके वीडियो पे जो एड दिखेगा। मतलब जब भी किसी भी चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है ना तो जो भी बंदा आपके वीडियो पे आएगा तो उसके सामने में आप एड दिखने को मिलेगा आपको, ताकि उसे मालूम चले कि आपका चैनल है जो मोनिटाइजेशन इनेबल हो गया। अगर आपका चैनल जिस दिन मोनिटाइजेशन इनेबल होता है तो दो दिन तक है जो आपकी वीडियो बहुत भर भर के एड देगा, तो इससे क्या होता है ना आपकी वीडियो पे CTR हाई हो जाता है क्योंकि आपके वीडियो पे ज़्यादा एड दिखाता है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब हमारे चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल हुआ था, मोनिटाइजेशन ऑन हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था ना हमारे वीडियो पे ना कितना दो दिन के अंदर में ना 12 या 15 CTR हाई हो गया था। मतलब मैं डर गया कि यार हमारा चैनल का जो हमारा एडसेंस अकाउंट है जो कहीं डिसेबल ना हो जाए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब मेरा बहुत ज़्यादा हो गया तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं, हम क्या किए, हम अपने जितना भी हमारे पास जितना वीडियो था ना सभी का ये मोनिटाइजेशन को ऑफ कर दिए, वीडियो का जिस पे जो ऑन था जिस वीडियो पे सभी को ऑफ कर दिए। फिर एक दिन के बाद है जो जैसे कि आज हम ऑफ किए और कल होकर है जो हम फिर सभी को ऑन कर दिए, तो वो है सारा है जो एकदम बराबर हो गया। तो अभी जब न्यू था तो, लेकिन अभी भी हमारे वीडियो पे कम व्यूज़ आता है लेकिन है जो CTR है जो हाई नहीं रहता, बस 4-5 ऐसे रहता है, कभी कभी 2 पे आ जाता है, ऐसे रहता है CTR। अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है आपके चैनल पे आपके एडसेंस अकाउंट पे ज़्यादा CTR हाई हो जाता है तो आप अपने वीडियो का मोनिटाइजेशन इनेबल है जो जिस मतलब मोनिटाइजेशन को डिसेबल नहीं करना है, आप अपने वीडियो का जो मोनिटाइजेशन ऑन है ना जिस वीडियो पे उसको है जो आपको ऑफ कर देना है। इससे क्या रहेगा कि आपकी वीडियो पे ऐड आएगा नहीं, और ऐड नहीं आएगा तो आप चैनल पे है जो आपके एडसेंस अकाउंट पे CTR हाई है जो नहीं होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कितना CTR इसके लिए चाहिए। अगर आपके चैनल आपके एडसेंस अकाउंट में 15 से नीचे CTR है तो आपका चैनल है जो सेफ है, और उससे ज़्यादा आ गया ना तो 15 से ज़्यादा आ गया CTR तो आपका एडसेंस अकाउंट है जो खतरे में है। तो आप जब भी आपके वीडियो पे ज़्यादा एड ये CTR हाई आने लगे तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले अपने वीडियो का है जो मोनिटाइजेशन को ऑफ कर दी, इससे है जो आपके वीडियो पे कम एड आएगा ही नहीं और आपका एडसेंस अकाउंट है जो फिर वो CTR डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो आप इनेबल कर दीजिए, जब भी आपके चैनल पे आपके वीडियो पे ज़्यादा CTR हाई आता है तो आप है जो अपने वीडियो का मोनिटाइजेशन को ऑफ कर दीजिए। और देखिए, और एक और ये वजह है कि जब भी किसी भी यूट्यूबर का जो न्यू यूट्यूबर है ना उसके चैनल का मोनिटाइजेशन इनेबल होता है ना तो वो क्या करता है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता, वो अपने वीडियो को बार बार देखता रहता है तो इनवैलिड क्लिक आ जाता है। इनवैलिड क्लिक की वजह से उसके वीडियो पर है जो ज़्यादा उसके एडसेंस अकाउंट पर है जो ज़्यादा CTR हाई हो जाता है। तो इससे है जो आपको ही नुकसान है, अगर आपके चैनल पर आपके एडसेंस अकाउंट पर ज़्यादा CTR आ रहा है 15+ तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जो एक महीने के बाद फिर इनेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप
गलती करते हैं आपके चैनल पे ज़्यादा ये आ गया आपके सॉरी एडसेंस अकाउंट पे, तो जैसे 15 प्लस आ गया सेकेंड टाइम और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ तो वो परमानेंट डिसेबल हो जाएगा। कम चांस रहेगा वो इनेबल होने का, लेकिन ज़्यादा चांस रहेगा 95% रहेगा वो इनेबल नहीं होगा, 5% में कुछ भी हो सकता है, इनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये गूगल के हाथ में। बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIP नजरा।